नमस्कार, बोंजूर एंड वेलकम बैक। तो आज सिर्फ दो क्वेश्चंस हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं लास्ट 2-3 हफ्तों में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा गया है कि क्या मैं इस इनटेक में, सितंबर अक्टूबर इनटेक में यहाँ आ सकता हूँ, और कुछ लोग ऑलरेडी लोन ले चुके हैं एंड दे वॉन्ट टू कम हियर एसैप एंड दे वॉन्ट टू स्टार्ट डूइंग जॉब एसैप एंड दैट्स हाउ दे वॉन्ट टू वर्क। बट मेरा सजेशन मांगा है तो अकॉर्डिंग एज पर मी, एज पर माई सजेशन, मैं ये बोलूँगी कि 2021 इज़ मच बेटर टू जॉइन टू अ स्कूल, टू कम हियर एंड टू स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ जॉब एंड डू अ जॉब, बिकॉज 2020 में, दिस ईयर, द पीपल हु ऑलरेडी हैव जॉब हैव प्रॉब्लम्स मेंटेनिंग द जॉब, बिकॉज काफ़ी सारी जगह पे एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस, बिकॉज बिजनेस नहीं हो रहा है। यहाँ रेस्टोरेंट में जॉब मिलना भी मुश्किल हो रहा है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि टूरिस्ट नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ये सब को लेकर। तो इस साल यहाँ आना, आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं कि यहाँ आएंगे और पहले ही मंथ में आपको जॉब मिल जाएगा और आप अपना लोन भर सकते हैं, तो ये बेवकूफ़ी होगी। तो ये आप बिल्कुल भी नहीं, आप नेक्स्ट ईयर आइए। आई विल सजेस्ट कि आप सितंबर इनटेक में आए, दैट इज़ बेटर देन एनी ऑफ द इनटेक्स। एंड मेन टाइम, इन द सेम टाइम अप्लाई आप यूनिवर्सिटीज़ में करिए, नॉर इन बिजनेस स्कूल्स। यूनिवर्सिटी में करेंगे तो आपका फ्रेंच भी अच्छा होगा और आपको फ्यूचर में जॉब मिलने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, फुल टाइम जॉब, जिसको कहते हैं CDI जॉब। तो एक ये था। दूसरा ये था कि कुछ लड़कों ने पूछा है कि यहाँ पे सिक्योरिटी कैसी है फॉर गर्ल्स। तो आई विल से आपको कि यहाँ पे फीमेल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है, जहाँ रिस्ट्रेन करना पड़ता है जाने से इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ द डे। लाइक आप कोई, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ आप रात के लाइक अंधेरे में आप आफ्टर 11 or 12 जाएंगे। ऐसा नहीं बोल रही कि कुछ ना कुछ होगा, बट इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दोज प्लेसेस। तो अदरवाइज, सो वैसे सेफ है, अदरवाइज फ्रांस एक्चुअली सेफ है। और मैं पर्सनली बोल सकती हूँ क्योंकि मैं अकेले एक टूर किया था इन फ्रांस। तो मैंने जो मेन सिटीज़ हैं, जैसे पेरिस है, बोर्डो है, टुलूस है, लियों है, नीस है, स्ट्रासबुर्ग है, ये सब अकेले ही ट्रैवल किया है। रात में भी घूमी हूँ, रात में बस में ट्रैवल किया है, एज अ टूरिस्ट ही घूमी हूँ, और मुझे बिल्कुल भी सेफ्टी का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हाँ, कभी कभार लगता है, लेकिन एक्चुअली लोग हेल्पफुल हैं और द बेस्ट यहाँ पे पुलिस काफ़ी है। अगर आपको प्रॉब्लम है एज अ टूरिस्ट ऑल्सो, आप पुलिस से जाकर बात कर सकते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। यस, काफ़ी सारी जगह पे पुलिस भी इंग्लिश बोलती है, तो ऐसे सेफ्टी का प्रॉब्लम ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीक फिर से आएंगे क्वेरीज लेके, कुछ सॉल्यूशंस लेके और कुछ नए टॉपिक पे बात करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड रहिए और शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ टिंग नोटिफिकेशन।